डीडवाना कुचामन में आज जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 3,600 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इन एमओयू से जिले में विकास के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। देश के बड़े शहरों में, बंबई में, सूरत में रोड शो किए, प्रवासियों से मुलाकात की, अभी विदेश यात्राएं करके आए और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, जो दिसंबर में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जो कार्यक्रम होगा उसमें उनको अमलीजामा पहनाया जाएगा। नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन ने भी पिछले दिनों जयपुर में निवेशकों को आमंत्रित किया था और हमने 76,000 करोड़ रुपए के एमओयू पे हस्ताक्षर करवाए थे। उनको भी हम 2025 में सारे समझौतों को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया। 3600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है और निश्चित तौर पर आगे भी ये बढ़ेगा। इससे राजस्थान के अंदर उद्योग को फायदा मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे और राजस्थान का विकास होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और जो मोदी जी का विजन है वो पूरा होगा, 2047 तक विकसित राजस्थान विकसित होगा। राइजिंग राजस्थान सरकार की एक अच्छी पहल है। अगर सरकार इसमें व्यापारियों को, इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को सहायता देती है, जिस तरह की भू परिवर्तन में, ब्याज में और लोन्स में, इनमें अगर सहायता देगी तो बहुत से निवेशक निवेश करने के लिए तैयार हैं। हमारी फर्म के द्वारा भी हम यहाँ पे डीडवाना में यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट, एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का प्रोजेक्ट, उसके अलावा स्पोर्ट्स एकेडमी का प्रोजेक्ट है, एक हॉस्पिटल का बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस तरह के खूब सारे प्रोजेक्ट हैं जिनसे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा।